मोहम्मद नईम, देखिए जानना चाहेंगे, संबल की घटना को लेकर क्या सोचते हैं? संबल की घटना जिस तरह से प्री प्लांट तरीके से हुई है और बताई गई है, उसमें कम से कम न्यायिक जांच होनी चाहिए। और उसमें जो भी या तो न्यायिक अधिकारी, कोई ना कोई जो रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी है, उसको एक आयोग गठित होना चाहिए और उसमें बिल्कुल क्लियर जांच होनी चाहिए कि घटना को जो अंजाम दिया गया है वो कैसे दिया गया और क्यों दिया गया है। लेकिन जिस तरह की सियासत तो इस पर गरमाई हुई है, क्या नहीं, सियासत तो इसलिए गरमाएगी क्योंकि बीजेपी का राज चल रहा है इस वक्त, और जो वो कहेंगे वही सच है, जो और कोई कहेगा वो सच ही नहीं है। भाई यहाँ लाई जो राइट है, इस राइट टू स्पीच है, तो राइट टू स्पीच का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है उसकी बात को ध्यान से सुना जाना चाहिए और सुनने के बाद उसका निर्णय निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके मुंह पर ताला लगा दे और बंद कर दे। सरकार कह रही है कि हमने आयोग गठित कर दिया है। हाँ, आयोग गठित कर दिया है, दैट्स ऑल। जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा सेटिस्फाई होंगे। आयोग जो भी रिपोर्ट देगा, मेरा तो ये मानना है कि आयोग में भी कम से कम एक मेंबर मुस्लिम जरूर होना चाहिए था। तीन मेंबर हैं, तीनों के तीनों मेंबर जो हैं वो रिलीजन ऑफ हिंदू से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा उन पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उनमें एक, कम से कम एक मुस्लिम होना चाहिए था। अवेलेबिलिटी तो गवर्नमेंट के पास है, क्या कम से कम मुख्तार अब्बास नकवी को ही भेज देते, किसी को भी नहीं भेज रहे थे तो मुख्तार अब्बास नकवी को ही भेज देते आयोग में। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई जी और सिर्फ सर्वे करने के लिए टीम गई थी, चार मामले में अच्छा, सर्वे करने के जो टीम गई थी वो तो, वो जो प्रकरण है वो तो देखिए इस तरह से प्री प्लांट दिखाई देता है कि कभी भी हमने अब तक की प्रैक्टिस में नहीं देखा कि सिविल जज 2 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर पास करके और सर्वे कराए किसी चीज का। और ये तो एक प्रकरण ऐसा होता है जो रिलीजियस प्रकरण इंडिया में चलते चला आया है कि इससे तो दंगा भड़कने की मतलब संभावनाएं होती हैं, और जब संभावनाएं थी पहले से तो प्रशासन को बहुत सतर्क रहना था। जल्दी भी करा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, एक बार सर्वे हो चुका था। आफ्टर डेथ सर्वे करने के लिए 1 दिन के बाद पहुंचे सुबह, मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं तो वहां की जो पीस कमेटी थी, वहां के जो जो और जो मेम्बरान थे, एक एमएलए थे, एक एमपी थे, कम से कम उनको फेथ में पहले से ले लिया जाता। अगर उन्हें पहले से फेथ में लेते तो कम से कम इतनी बड़ी घटना नहीं होती। भाई वहां के जो मेंबर हैं, एमएलए साहब थे, एमपी साहब थे और हिंदूज में भी थे, उन सबको कम से कम एक फेथ में लिया जाता पहले, और फेथ में लेने के बाद ही इस बात का सर्वेक्षण किया जाता, तो ये घटना घटित नहीं होती।